हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। फिर अभी हम लोग तैयार होके हॉस्पिटल तक जा रहे हैं, कोठाई जा रहे हैं। एक्चुअली नायशा को 3-4 दिन पहले मच्छर ने काटा था पाँव में, और वो इसके थोड़ा दुख गया है, हीचिंग कर दी होगी इसने, और थोड़ा सा जख्म वहाँ पे बन गया और पाँव में स्वेलिंग आ गई और बुखार भी था इसको। तो ज़रा दिखाते हैं, ये ना चल भी नहीं पा रही, पाँव नीचे रख के दर्द हो रही होगी ना इसको। तो मैंने कहा चलो दिखा के आ जाते हैं। तो मैं और नायशा की चाची जा रहे हैं, मैं निकुंज, और गाड़ी चलाने हमारे साथ नायशा की एक और चाचू है गोलू। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। देखिए इधर इसका पाँव सूज गया बेचारी का यार। पाँव हेलो बोलते बाबा, हाय बोलते चक्कर बोलते, हाय बोलते बोलते बाबा, जल्दी से हाय बोल दो। वैसे तो फ्रेश है अभी, फीवर तो अभी नहीं है, रात को इसको थोड़ा फीवर था, बस वो ये इसके दुख रहा होगा ये पाँव ना थोड़ा। नायशा को दिखा के हम लोग आ चुके हैं, डॉक्टर ने ये एमोक्सी दी है यानी कि एंटीबायोटिक नायशा को 5 दिन की दी हुई है। बोलते इसमें इन्फेक्शन हो गया था और पस भी थोड़ा पड़ गया है, 5 दिन तक ये खानी पड़ेगी, उसके बाद ठीक हो जाएगी। और पानी से बोला है कि पानी से थोड़ा बचा के रखना, उससे सेप्टिक हो जाता है। बस बाकी तो ठीक हो जाएगी नायशा, है ना? ये वाली दवाई खाएगी ना? कौन सी दवाई है ये? नायशा बोल रही इसको देखिए मम्मा, और ऑरेंज दवाई, अर्जुन अर्जुन बोलते हैं ऑरेंज को, ऑरेंज दवाई बोलते हैं। खाएगा इसको? ओके चलो फिर चलते हैं। अपनी कुंज उधर गए हुए हैं, कुछ फ्लावर्स वो लोग खरीद रहे हैं, ये देखिए इधर फूल ले रहे हैं। ला दिया निकुंज ने कुछ खरीद के। छोटी क्या लाया? कौन से लाए दिखाओ? पता नहीं, तीन तरह के। तीन तरह के लाए? एक में तीन तरह के, एक में दो तरह के। कितने के लाए छोटी? 100 के। अच्छा चलो अच्छा है, छोटी लगा देगी आज शाम को हम इनको। अब नायशा को दवाई हम देने वाले हैं। लास्ट टाइम नायशा ने क्या बोला था? नहीं खाना। पर आज नायशा बोल रही है कि ये खानी है। नायशा ये कैसे कलर की दवाई है? जोर से बोला, अर्जुन। ऑरेंज को बोल दिया अर्जुन। तो ये ऑरेंज कलर की है और ये टॉफी वाली दवाई है, ठीक है बाबा? हम लोग अभी फटाफट से इसको खाएंगे। ओके चलो आप करो फिर, हम सारे क्लैपिंग करेंगे नायशा के लिए। वाओ देखिए चमत्कार, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग पी लो। वाओ नायशा कैसी थी? कैसी थी बाबा? अच्छी। पता है ये चमत्कार कैसे? मैं आपको बताती हूँ, लास्ट टाइम इसको खांसी लगी थी ना, जो खांसी वाली दवाई आपको पता है वो कैसी थी? मिर्च वाली। तो उसके कंपैरिजन में इसने बाकी की दवाइयाँ सोची कि बहुत अच्छी है बोलती बस वो मिर्च वाली दवाई बद दो, बाकी जो मर्जी दे दो मैं खा लूंगी मिर्च वाली दवाई। हाँ मिर्च नहीं, और साथ में इसको एक ऑइंटमेंट दी है, बीटाडीन ऑइंटमेंट है, ये भी लगा देते हैं इसको इसमें। तो कुछ नहीं था, बस वही था कि इसने इचिंग इसमें ज्यादा कर ली थी और फिर थोड़ा नहा भी लिया इसको, पानी पुनी चला गया और इसमें इन्फेक्शन हो गया इसको बेचारे को, कितना मोटा पाप सूज गया ये पैर इसका, चल भी नहीं पा रही है बेचारी। बच्चा छोटा बच्चों को थोड़ी सी लानी पड़ती, छोटी है ना, थोड़ी ज्यादा नहीं, थोड़ी छोटी। हाँ तो नायशा को दवाई दवाई खिलाने के बाद अब हम लोग खाना खा लेते हैं। हम लोग मार्केट गए और हमने कुछ भी नहीं खाया, जल्दी जल्दी में गए और वैसे ही आ गए क्योंकि अंकित का फ़ोन आ गया, जल्दी आओ जल्दी आओ बस। हाँ छोटी ठीक है, तो यहाँ पे निकुंज की शूटिंग हो रही है, बड़ी मुश्किल से मैंने निकुंज को मनाया। एक्चुअली ये वाला जो निकुंज ने कुर्ता सेट पहना है ना, ये मैंने इनके लिए मीशो से ऑर्डर करा था, तो कल ये मीशो की थर्ड हॉल वीडियो आने वाली है, उसके लिए मैं शूट कर रही थी, मुश्किल से बनाया इनको मैंने शूट करने के लिए। तो ये देखिए, कल ये वीडियो देखना ना भूलिएगा, ठीक है? शाम तक मैं शायद इसको कल पोस्ट कर लूँगी, जिसमें मैंने अपने सभी घर वालों के लिए शॉपिंग करी है मीशो से, तो आप लोग देखना ज़रा किस तरह का सामान आया हुआ है। तो चलिए बड़ी मुश्किल से निकुंज की शूटिंग मैंने कर ली है, काफ़ी मिन्नतें करके, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है यार कुर्ता, ये सच में ना बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ता सेट है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग इनको लगा देते हैं, देखिए बेचारे कैसे सूख गए, थोड़ी देर में इतने सूख गए, तो फटाफट से ये हमें लगाने पड़ेंगे पॉट में। चलिए जुगाड़ करते हैं। इन्हीं माश कहाँ जा रहा है? माशी
सेब भर लिए, भर लिए सेब। कैसी शक्ल बना रहा है। तो इधर को मैं देख रही थी कुछ जगह किसी में हो नहीं, इसमें देखिए ये नींबू लग गया है, उधर नीचे उसमें एलोवेरा और इसमें तुलसी एलोवेरा, और ये कोई एक तरह का फूल लगा हुआ है। नया ही पॉट ढूंढना पड़ेगा। अंकित गमला दे दो, पॉट ये लगाने। देखो ये वाले लाए हमने, हमने आज मार्केट से खरीद के लाए प्लांट्स, फ्लावर। इसमें ना तीन तरह के फूल लगेंगे, तीन रंग के, क्योंकि ग्राफ्टेड है ये। देखो बीच में ये, इसमें ना दो तीन, हाँ सच में दो तीन तरह की ग्राफ्टिंग हुई है। बोलती थी ठग दिया, नहीं ठगा सच में। एप्पल गोडाउन में लगा हुआ है, चले हुए अभी भर रहे हैं, ग्रेड हो चुका है, पैकिंग अभी हो रही है। और पीछे ना सॉन्ग लगे हुए, ये किनौरी गाने लगे हुए हैं, आई होप कॉपीराइट ना दें। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा कहाँ से करें हम? दूसरा नहीं है, है? दूसरा नहीं है, लगा रहे हैं। इसमें लगा रहे हैं जी, सही नहीं है। इस तरह की गमले लगाने हम लोग जा रहे, गमले क्या फूल लगाने हम जा रहे थे। तब तक यहाँ पे देखिए कौन आ गए, इनके पास टोकरी हैं बेचने के लिए। भैया ये कितने की है? 150। छोटी ऐसी होती है ना बर्तन रखने के लिए। हाँ भाभी बर्तन रखने के लिए ले लेते कुछ। इसका गमला बना रहे हम। कौन सा कलर है? रेड कलर। हमारे पास प्लांट्स दो हैं बट गमले हमारे पास एक ही है। दूसरा गमला हम ये बनाने वाले हैं, इसको हम लोग कलर करेंगे, गमला बन जाएगा इसका। ठीक है, दो लेयर करनी पड़ेगी पर इसमें। तो भाई तो मैं इतना तो गम लगाएगा। कैसे लग रहे तुझे भैया? इसमें ना टू कोट्स करने पड़ेंगे क्योंकि सिंगल कोट में ना ये छुपा नहीं। ठीक नहीं है छोटी, बहुत बढ़िया गया। बस इससे नीचे तो मिट्टी आएगी है ना। ये देखिए जी गमला रेडी हो चुका है। फिर से हम लोग आ गए हैं ये वाले प्लांट्स लगाने जो हमने आज कोटखाई से खरीद के लाए हैं। तो इसके लिए हमारे पास ना एक ही गमला हमको ये मिला और दूसरा मैंने अभी बनाया जिसमें मैंने कलर कर दिया रेड कलर का। तो ये वाला मैंने मिट्टी से भर दिया है, उसको तो हमने थोड़े सूखने रखा और मिट्टी में यहाँ पे तब तक निकाल के रख देती हूँ। फिर जैसे ही वो सूखेगा वैसे हम लोग उसमें मिट्टी डालते हैं। फिलहाल जब तक वो सूखता है ना हम लोग इसमें एक ये प्लांट लगा देते हैं। ठीक है, ये बड़ा गमला है तो इसमें ये बड़े वाला लगाते हैं। ठीक है छोटी, ठीक है आ जाओ फिर। अरे ये तो बड़ा दम दम चीज बताएंगे बहुत बार। ये देखिए ये हमने लगा दिया है। बोला तो उसने ऐसा जिससे लिया है कि तीन अलग अलग रंग के फूल लगेंगे क्योंकि ये ग्राफ्टेड है उसने कहा। बाकी देखते हैं कैसे लगते हैं, पोपट हो गया हमारा या फिर सच में लगेंगे। दूसरा गमला मैंने कहा ये सूखता रहेगा अदरवाइज टाइम बहुत लग जाएगा, तब तक हम लोग इसमें लगा देते हैं। जब ये सूख जाएगा ना तो उसके बाद मैं इसमें डबल कोट कर दूंगी सूखने के बाद, और थोड़ा सा फूल मतलब थोड़ी चित्रकारी भी कर दूंगी। पर फिलहाल के लिए इसमें हम लोग फूल लगा देते हैं। नविश तोड़ना नहीं इसको, अच्छा नविश और निवास मेरी हेल्प करने आ गए रोज की तरह, जैसे ये रोज आते हैं। ये वाला भी पानी डालते हो इसमें। और नायशा देखिए इधर आज बेचारी
नीचे एक जगह पे बैठी है, चल नहीं पा रही, अब इसको अंदर ले जाती हूँ। चलो अब ऊपर चल, चलो ऊपर चलना, ऊपर चल, नहीं चलना, ये ऊपर आना नहीं चाहती है ना, अंदर बैठ बैठ के बोर हो चुकी है और इसको यहीं पे बैठना है, यहीं पे खेलना है।